अश्विनी कामत, मेरे चैनल कामत स्वेजन नॉनवेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ चिकन हरियाली टिक्का। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप होटल जैसा, रेस्टोरेंट जैसा घर में ही बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड में आपको दिखाऊंगी मैं। इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लिया है बताती हूँ। ये है 150 ग्राम्स चिकन लिया है, चिकन पीसेस ऐसे देखें छोटा छोटा कट कर लिया है मैंने। आप चाहिए तो बड़ा बड़ा पीसेस भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा छोटा छोटा कट कर लिया है, देखें ऐसे थोड़ा छोटा छोटा। आप थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसे बड़ा बड़ा पीसेस भी ले सकते हैं। ये मैंने इसे अच्छी तरह से धो के थोड़ा सा हड़द डाल के, थोड़ा नमक डाल के, थोड़ा सा लिटिल नमक डाल के रखा था, एक 15 मिनट मैरिनेट किया था। देखिए फिर इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए और बताती हूँ। ये है पुदीना लीव्स, ये ऐसे अच्छी तरह से धो के पुदीना लीव्स लिया है मैंने, पुदीने के पत्ते जो बोलते हैं वो थोड़ा सा लिया है। ये कोतंबीर, कोतंबीर भी लिया है थोड़ा सा, ये भी अच्छी तरह से वॉश करके ऐसे कट करके लिया है। आपको अगर पुदीना अच्छा नहीं लगता है तो आप पुदीना अवॉइड कर सकते हैं, कोतंबीर डाल सकते हैं। दोनों अच्छा लगता है तो दोनों डाल दीजिए, ज़्यादा कम डाल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पुदीना उतना ही अच्छा लगता है तो कोतंबीर अवॉइड कर सकते हैं, कैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे बना दीजिए। ये डालने से कलर भी अच्छा आता है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं वैसे ही स्वाद आता है फ्रेंड्स। ये है ग्रीन चिलीज़, मैंने 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ ऐसे कट किया हुआ, ऐसे कट कर लिया है धो के अच्छी तरह से, 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ लिया है। तीखा कम चाहिए तो कम डालिए थोड़ा सा, ये मैंने मीडियम तीखा वाला ग्रीन चिली लिया है, देखिए ये मीडियम तीखा है। आप ज़्यादा तीखा है तो थोड़ा कम डालिए ग्रीन चिलीज़। ये है मैदा, मैदा 1 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून दोनों मिक्स किया हुआ है, ये बाइंडिंग के लिए उतना ही चाहिए आपको, ये बाइंडिंग के लिए उतना ही लेना है, ज़्यादा मत डालिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेना है इसको। ये है थोड़ा सा गरम मसाला, 1.5 टीस्पून गरम मसाला लिया है मैंने, कौन सा भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। ये है चिकन कबाब मसाला, चिकन कबाब मसाला मैंने 3 टीस्पून लिया है। आप कबाब मसाला कौन सा भी ले सकते हैं, मैंने एवरेस्ट, ये एवरेस्ट का लिया है, आप कौन सा भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। यह है जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1-2 टीस्पून लिया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो जिंजर और गार्लिक थोड़ा सा मिक्सर में पेस्ट कर लीजिए और अच्छी तरह से नाइस पेस्ट कर लीजिए, वो पेस्ट बन जाता है। उसमें थोड़ा सा नमक डाल के पेस्ट करके करने से आप स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, मैं वैसे ही करती हूँ। इस बार मैंने ये मार्केट से लेके आई हूँ। ये है दही, ये देखिए दही, मैंने 1/4 कप दही लिया है, ये मैरिनेट के लिए चाहिए, मैरिनेट करने के लिए। अभी नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ फ्रेंड्स। देखिए अभी मैंने एक मिक्सर जार लिया है, उसमें पुदीना और कोतमीर जो हमने लिया था वो लेना है आपको, वो सब डाल दीजिए। फिर इसमें ग्रीन चिलीज, देखिए मैंने थोड़ा तीखा ही किया है, ग्रीन चिलीज लिया है और उतना डाल के उसमें अभी पानी मत डालिए, फर्स्ट ऐसे ही ग्राइंड कर लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी डाल के नाइस पेस्ट कर लीजिए मिक्सर में। फ्रेंड्स देखिए मैंने ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे ग्राइंड कर लिया है, देखिए ज़्यादा भी पेस्ट मत कीजिए, देखिए ऐसे। ये इसे आप अभी जो हमने चिकन लिया था उसमें डालना है आपको, फुल ऐसे देखिए, ये फुल ले लीजिए जो आपने पीस के रखा था मिक्सर में, ऐसे फुल डालना है आपको। देखिए ये अभी ऐसे मिक्स कर लीजिए, फिर इसमें
स्वादानुसार नमक डालना है आपको। फिर इसमें गरम मसाला जो हमने लिया था वो, कबाब मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऐसे फर्स्ट मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए कलर मत ऐड कीजिए, मैंने भी यहाँ कलर नहीं ऐड किया है। होटल में ज़्यादा कलर ऐड करते हैं, वो पेट के लिए अच्छा नहीं होता है। ये देखिए ऐसे मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब इसमें आपको दही ऐड करना है, जो हमने दही लिया था थोड़ा डाल दीजिए। फिर ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स देखिए ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। ये देखिए ये भी नेचुरल कलर ही है हमारा। इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए उतना ही डालना है आपको। ऐसे देखिए ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और थोड़ा चाहिए तो थोड़ा ऐड कर लीजिए, दही चाहिए तो थोड़ा सा दही भी ऐड कर लीजिए। पुदीना और कोतंबीर और भी चाहिए तो ज़्यादा आपको और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, और थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐसे ऐड कर लीजिए अच्छी तरह से। ऐड करके आपको अभी एक घंटे तक ऐसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना है, नहीं तो बाहर भी रख सकते हैं एक घंटे तक। फ्रेंड्स देखिए मैंने अभी एक तवा गरम कर लिया है, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं आपको चाहिए तो, नहीं तो ऐसे तवे पर थोड़ा सा तेल डालना है आपको। और ये पीसेस जो हमने ऐसे मैरिनेट करके रखा था, ये आप स्टिक में डाल के भी फ्राई कर सकते हैं तवे पर। स्टिक जो मिलता है लकड़ी का स्टिक, उसमें ऐसे अंदर डाल के ये सब स्टिक में डाल के आप फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही तवे पर ऐसे फ्राई कर सकते हैं। देखिए ऐसे आपको डालना है सब कबाब, सब ऐसे एक एक करके रखना है आपको। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। देखिए देखिए ऐसे डाल के फिर से थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे तेल डाल दीजिए। देखिए अभी इसे इसमें इसके ऊपर एक ढक्कन लगाना है, और एक दो मिनट तक ऐसे ही ढक्कन बंद करके रख दीजिए। फ्रेंड्स देखिए अभी और थोड़ा सा ऐसे ढक्कन लगाया था हमने, अभी ऐसे थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और ऐसे उल्टा कर लीजिए ऐसे। देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप एक बार बना के खाओगे तो बार बार बना के खाओगे, इतना टेस्टी लगता है। आप डीप फ्राई भी, आपको अच्छा लगता है तो डीप फ्राई भी करके खा सकते हैं। मैंने यहाँ शैलो फ्राई किया है, आपको कैसा अच्छा लगता है वैसे करके आप खा सकते हैं। देखिए आप दो घंटा मैरिनेट करके रखेंगे तो और भी अच्छा बनेगा। ये देखिए अभी
और एक साइड भी थोड़ा सा फ्राई कर दीजिए। ऐसे फिर से ढक्कन लगा दीजिए, एक दो तीन मिनट तक फ्राई कर लीजिए ये ढक्कन लगा के। फ्रेंड्स देखिए हमारा अभी रेडी हो गया है कबाब, हरियाली चिकन टिक्का, आप कबाब भी बोल सकते हैं इसे, हरा कबाब। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। अभी प्लेटिंग दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए हमारा हरियाली चिकन टिक्का रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। आप चावल के साथ ये नहीं तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही स्टार्टर में भी आप खा सकते हैं। आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल कामत्स वेज एंड नॉनवेज में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। If you like our videos, please don't forget to like, share and subscribe to our channel. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you.